आराम से अपन आना जाना कर रहे हैं बढ़िया सा, लेकिन जैसे ही शाम होते हैं तो यहाँ 20 से 25 किलोमीटर, देखो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन है भैया तुतुरिया धाम ओपन है, ओपन है। कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से? अभी दो बड़े बड़े चट्टाने हैं, सब चट्टानों में भालू का बसेरा। अच्छा यहाँ से लोग वैसे आना जाना कर रहे हैं, काफ़ी अंदर है यार मंदिर, तो दर्शन करके वापस आ रहे हैं, फोटोग्राफी भी हो रही है। गाइस वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे को फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ तुतुरिया धाम। अब में से बहुत सारे भाई बहन मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुतुरिया धाम दिखलाइए करके। सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता था तुतुरिया धाम किस साइड में है, तो मैं रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सिरपुर जाने वाली रूट पर है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते, लेके जाएगी रायपुर के लिए और ये लेके जाएगी सीधा पिथौरा के लिए। यहाँ से अपन संबलपुर भी जा सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, जैसे कि इंट्रो में आप लोगों को बतलाया कि सिरपुर होते हुए अपन चलेंगे तुतुरिया धाम। देखते हैं अभी तुतुरिया ओपन है कि नहीं है, और ये हमारी बाइक है तो निकलते हैं। ये ग्लव्स इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी तेज़ धूप है। जय श्री राम। यहाँ से सिरपुर लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, खरोरा होते हुए भी आ सकते हैं। कसडोल, कसडोल से आप लोगों को फिर अंदर लेना पड़ेगा सिरपुर वाली रूट। कसडोल से 15 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है तुतुरिया धाम, और यहाँ से चालू हो जाता है भाई पूरा जंगल झाड़ी एरिया। और सिरपुर आप सर्च करिएगा, यहाँ से हाथी वगैरह गुजरते ही रहते हैं और काफ़ी कुछ जानवर देखे गए हैं इस रोड में। और जगह जगह पर आप लोगों को बोर्ड भी नज़र आएंगे। और ये देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं, ये तो अलग ही नज़र आ रहा है भाई अपने को। और यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटी के पेड़ लगे, ये जो रूट है ना बनाकर बहुत अच्छा किया भाई। अगर ये रूट अच्छे से नहीं बनाया रहता ना तो काफ़ी दिक्कत और डर भी लगता। अभी तो दोपहर के समय है, लगभग 12 बज रहे हैं, आराम से अपन आना जाना कर रहे हैं बढ़िया सा, लेकिन जैसे ही शाम होते हैं तो यहाँ से थोड़ा आने जाने में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि पूरा चारों तरफ जंगल झाड़ी एरिया है, कब कौन से जानवर रोड क्रॉस करते हुए नजर आ। यहाँ से ये सिरपुर है, यहाँ से अपने को राइट लेना है, यहाँ पे चाय नाश्ता मिल जा रहा है बढ़िया है। और यहाँ पे आप लोग रुक भी सकते हैं, काफ़ी कुछ प्राचीन प्राचीन मंदिर है ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, वो भी आप लोगों को जाते जाते हल्का सा दिखला दूंगा। अच्छा है ये भी सिरपुर, प्यारा सा गांव है, धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर सा मंदिर बन रहा है। देन यहाँ पे एक इकलौता पेट्रोल पम्प है, तो यहाँ पे पेट्रोल डला लेते हैं क्योंकि एक डंडी बची हुई है पेट्रोल, मैं पेट्रोल डला नहीं पाया था जब घर से निकला था। पेट्रोल हमने डला लिया है। और ये देखिए मेन मंदिर आगे साइड में है, यहाँ पे बहुत प्राचीन प्राचीन आप लोगों को मूर्ति मंदिर सब देखने को मिलेंगे। तो आइए, सिरपुर इसी के नाम से फेमस है। मेन ये है जो ईंटों से बना हुआ है मंदिर, लक्ष्मण मंदिर है, ये ओपन है। और यहाँ पे बारनवापारा नारायणपुर सब लिखा हुआ है, ये देखो कसडोल बोरसी धसकुल झरना करके लिखा हुआ है। तो धसकुल झरना के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो वाटरफॉल है ये बरसाती वाटरफॉल है, बरसात के समय में ही आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और चारों तरफ देख ही रहे हैं घनघोर जंगल है ये, और इसीलिए ना इस रोड पे बहुत कम लोग आना जाना करते हैं। कसडोल 35, लवन 44, बलौदा बाजार 65। ये देखिए पूरे बांस के पेड़ हैं, सुंदर दिख रहे थे भाई दूर से, और पास से तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, एकदम घने घने पेड़ होते ना ये। यहाँ पे सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, भाई लोग भी जा रहे हैं, देखो सुनसान सा रूट है ये, इक्का दुक्का ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। गाइस तो यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे भैंस लोग हैं जो नहाना धोना कर रहे हैं बढ़िया सा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, ये देखो सब भाई लोग घूमते फिरते, लोकेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं इस साइड। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है बारनवापारा, यहाँ से है 25 किलोमीटर की दूरी पर, और सिरपुर यहाँ से है ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर। देखो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन है ये लेके जाएगी बारनवापारा। तो अपन देखेंगे, मन किया तो कभी फिर से आएंगे, आज तो नहीं जा पाऊँगा मैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। गाइस तो यहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है तुतुरिया धाम 6 किलोमीटर,
तो ये बोर्ड आप लोगों को नजर आएंगे। देखना ये है कि अभी तो तुरिया धाम ओपन है या नहीं है। कोविड के समय में बंद था, ऐसा करके पता चला था। जब इतना दूर आए हैं देख लेते रे बाबा। दो रोड जाती है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, लेकिन मेन तो यही वाली है, वो भी उसी रोड में जाकर मिलती है। काफ़ी तेज़ धूप है, बेड़ियाल मार के रखे हुए हैं। भैया तुरिया धाम ओपन है? ओपन है। कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से? सीधा सीधा है ना जी? धन्यवाद। चलो ओपन करके भैया बता रहे हैं, 5 किलोमीटर है यहाँ से। चलो भाई आज दर्शन हो ही जाएंगे अपना। भाई रोड इतना ख़राब है, पत्थर ही पत्थर है। कुछ लोग वापस जा रहे हैं दर्शन करके। इतना पवित्र स्थल है, रोड बना देना चाहिए, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, और ये रात के समय फिर ये रोड सही नहीं रहेगा। कहीं भी कुछ भी हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो 5 किलोमीटर अंदर में फंसे रहोगे, तो लाने ले जाने में भाई हालत ख़राब हो जाएगा। हालत पेंटर नेताम। चलो इधर का थोड़ा ठीक ठाक रूट तो है, जंगल के अंदर में जा। सामने में दो भाई लोग नज़र आ रहे हैं अपने को। पहाड़ चढ़ाई करना पड़ेगा लग रहा है। झाड़ू वाड़ू लेके जा रहे हैं। यहाँ भी दो बड़े बड़े चट्टाने हैं। सब चट्टानों में भालू का बसेरा रहता है, क्योंकि भालू ठंडे जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पत्थर जो है ठंडा रहता है। ये देखो लंगूर ही लंगूर इस साइड तो सब बैठे हुए हैं। ये नीचे नज़र आ रही मंदिर, इधर फिसलने का डर है क्योंकि नीचे उतरना है, तो आराम से धीरे 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 धीरे। और यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, सही है भाई। यहाँ पर नल की सुविधा भी है। मंदिर की साइड देखते हैं। मंदिर इधर लग रहा है, मंदिर चौस पर है। तो यहाँ पे सब भाई बहन गुपचुप खा रहे हैं बैठ के, अपन भी खाएंगे आते समय। फिलहाल दर्शन करते हैं। अच्छा दुकान लगा हुआ है भाई साइड तो। इस तरह से पूरे दुकान ही दुकान लगे हुए हैं। इधर से जाना है मंदिर के लिए। मैं गलत तरफ चली, मंदिर जो है समझ में नहीं आ रहा किस साइड है। अच्छा यहाँ से लोग वैसे आना जाना कर रहे हैं। इधर ही है मंदिर। गाड़ी देखता हूँ कहाँ तक जाती है अपनी बाइक, तो फिर पैदल ही पैदल जाना पड़ेगा जहाँ तक भी चले जाए। पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। शाबाश, निकल जाएगी अपनी बाइक। लेकिन लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं भाई पिकनिक मनाने और दर्शन के लिए। ठीक है, जगह जगह पे डिस्पोजल पत्तल ना, अच्छे जगह को यार गंदा करके रखे हुए हैं।
हट जाओ हो। ये देखिए श्रद्धालु ही श्रद्धालु है, कहाँ तक जाती है अपनी बाइक। वहाँ तक ले चलते हैं। काफ़ी अंदर है यार मंदिर, तो ऐसे आप लोग भटक जाएंगे अगर किसी से पूछेंगे नहीं तो। फिलहाल हम तो आप लोगों को दिखलाते हुए जा रहे हैं, इजी पहुंच जाएंगे आप। अच्छा ये जो है सीढ़ी बनी हुई है, इसी के थ्रू अपने को जाना है तुतुरिया धाम। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं तुतुरिया धाम पे, और यहाँ पे सीढ़ी दी गई है 270 सीढ़ी है। हमने जो ये भैया हैं उनसे बातचीत किया तो बताए हैं कि 270 सीढ़ी मुझे चढ़ना पड़ेगा, और मैंने बाइक यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ तक आप बाइक लेकर आ सकते हैं। फिलहाल हमारे पीछे साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी लोग नीचे उतर रहे हैं दर्शन करके, और यहाँ पे पूरी दुकानें लगे हुए, नारियल प्रसाद सबके दुकान यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल अपन 270 भाई दोपहर के समय में देखते हैं 270 सीढ़ी चढ़ जाएंगे। वैसे तो काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं भाई दर्शन करने के लिए, मैं तो सोचा कि खाली खाली होगा, लेकिन देख ही रहे हैं माहौल यहाँ का। आप लोगों को यहाँ का पूरा नज़ारा दिखलाएंगे, और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं ये देखो, और ये है यहाँ का नज़ारा। 270 सीढ़ी, अच्छी बात ये है कि 800 नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता सीढ़ी चढ़ने में। तो चलते जाते हैं आराम आराम से। वैसे सीढ़ी की बात करूँ तो अच्छी है सीढ़ी, कंफर्टेबल सीढ़ी है। आप धीरे धीरे बैठ बैठ के जा सकते हैं, और अभी कोविड की वजह से सीढ़ी वीढ़ी चढ़ाई या फिर जॉगिंग वगैरह हो नहीं पा रहा है, तो सांस जो है बहुत जल्दी भर जाती है भाई। ये देखो मुश्किल से 10-20 सीढ़ी चढ़ाऊंगा मैं। अरे वाह ये अच्छी बात है, यहाँ पे सीढ़ी ख़त्म है, आगे और सीढ़ी है। बाकी नज़ारा देखिए, यहाँ पे लंगूर है, देवी देवता स्थल है, मंदिर एक, और ये देखिए प्रसाद की दुकान लगाए हैं। देखिएगा ये सीढ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीढ़ी है, बड़े आसानी से चढ़ पाएंगे। बाकी घूम के दिखाता हूँ आप लोगों को, चारों तरफ जंगल झाड़ एरिया है क्योंकि ये पहाड़ों के बीचों बीच में ही है, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप तुतुरिया धाम आते हो ना तो थोड़ा समय निकाल के आइएगा, अचानक से मत आइएगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में काफ़ी कुछ जगह है घूमने लायक। और सेकंड बात यह है कि जूते पहन के आइएगा, क्योंकि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। देन आप लोग कुछ खाने पीने का पानी अवश्य रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नल है लेकिन आपके पास में पानी रहेगा ना तो जब गलक सूखेगा तो पानी आप पी पाएंगे। बाकी ये देखिए कुछ फैमिली दर्शन करके वापस आ रहे हैं, फोटोग्राफी भी हो रहा है यहाँ पे। बस पहुँचने वाले हैं माता के दरबार में। ये देखो यहाँ पे मंदिर नज़र आ रहे हैं, चट्टाने ही चट्टाने हैं, कुछ लोग तो वहाँ भी बैठे हुए हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट समझ लो, यहाँ से आए हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं और देख ही रहे हैं भक्तगण, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, जबकि अभी फरवरी चल रहा है। यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं, और ये है मेन मंदिर सामने में। तो चलिए दर्शन कराते हैं सीता माता तपोवन, आप लोगों को दर्शन कराते हैं भगवान जी का।
और यहाँ पे बैठने के लिए इस तरह से चेयर भी है। देन यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं पंडित जी। और ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग है, तो दर्शन करिए आप भी घर बैठे। दादा जी यहाँ पे गाना वाना भी चला रहे हैं जोरों शोरों से। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। देखो पंडित जी हैं, काली मैया। गाइस तो मंदिर के बारे में पंडित जी हमें जानकारी देंगे यहाँ की महत्व के बारे में। तो चलिए पंडित जी बताइए यहाँ के बारे में। हर वर्ष हर समय यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और माता रानी से मन्नत करते हैं कि यहाँ मुख्य बाल बच्चों के लिए अधिक आते हैं और माता जी माता रानी सभी की मनोकामना पुत्र प्रदान करने की दया करते हैं और सभी को मिलते हैं। पुष्प पूर्णिमा में मेला लगता है, श्रद्धालु पुष्प पूर्णिमा कितने दिन के लिए लगता है? लगभग तीन दिन के लिए। प्राचीन वो पहले से वो है गुरु जी सबसे पहले का है ये प्राचीन वाला माता का, ये भी प्राचीन है लेकिन वो सबसे बहुत प्राचीन जी। जो से भी जरा है ना काम जो मूर्ति खत्म हो 12 महीना चलती रहती है। घर बैठे दर्शन करिए गाइस, जो भी आपकी मनोकामना है मांग सकते हैं। और पंडित जी ने हमें अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद। तो पंडित जी बता रहे थे ये जो पत्थर है, ये पिलर जैसे दिख रहा है, ये भी बहुत प्राचीन है, ये सदियों से चला आ रहा है और मंदिर भी बहुत प्राचीन है। बाकी आपको मैं दर्शन करा ही दिया हूँ गाइस। तो पहाड़ के ऊपर मैं करके गर्मी कुछ ज़्यादा लग रहा है, बाकी आप लोगों को मैं यहाँ का दर्शन करा देता हूँ। और भी बहुत सारे यहाँ पे देवी देवता है जैसे कि यहाँ पर है और पंडित लोग यहीं पे रहते हैं। चारों तरफ एरिया ही देखिए बहुत प्रसिद्ध है, लव कुश का जन्म स्थल है वहाँ पे आप लोगों को मैं दिखलाया हूँ। तो चलिए बाकी का हिस्सा भी आप लोग देखिए। ये देखिए गाइस बाहर का नज़ारा और इस साइड से देखते हैं व्यू। यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवता हैं, ये देखिए यहाँ भी भैरव बाबा करके लिखा हुआ है, यहाँ से काफ़ी सुंदर सा व्यू नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ है। और ये बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ये देखिए यहाँ का नज़ारा पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है भाई। अभी हम लोग काफ़ी हाइट में हैं, पेड़ पौधे होने की वजह से अपन देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, बाकी सब हम ही देख रहे हैं भाई कि लड़का कर क्या रहा है। और ये कुटिया बना है लगता है पंडित जी के लिए, जहाँ पे पंडित लोग अपना खाना बनाना करते हैं देखो। और यहाँ पे ना कपड़े ना बर्तन वर्तन धोते हैं, कपड़े लगते हैं, सही है भाई। गाइस बहुत अच्छी जगह है, ये पवित्र स्थल है। अब सोचिए लव को से जन्म हुआ है, कितना पवित्र स्थल है ये। और यहाँ भी आप बैठ के फोटोग्राफी कर सकते हैं बढ़िया सा, रिक्सी है थोड़ा। बाकी नज़ारा देखिए चारों तरफ का, ये देखिए गाइस। तो यहाँ पे पंडित जी हमें चाय ऑफर किए हैं, बुला रहे थे पंडित जी चाय पीने के लिए, यहाँ पे सब भाई लोग। आप मन यही रही था, यही खाना पीना। अच्छा मन के यही है। अरे बहुत बढ़िया यार, खा जरूरत नहीं थी चाय के का, लेकिन प्यार से बोला था करके चलो आपकी कुटिया में। ये हूँ माता जी के प्रचार प्रसार बढ़िया बढ़ाओ जी जी। नहीं बहुत जन रिक्वेस्ट करत रही से ना वीडियो बनाए बार यहाँ के कुतुलिया धाम के, तो बीच में आ रहा हूँ तो बंद रही थी। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भैया लोग हैं सब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? मंगोई से। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद देखने के लिए हमारा वीडियो। और आप लोग कमेंट करके बताते रहना, जगह में कवर करूंगा मैं। आपका बहुत बार देखे हैं हम लोग चंडीगढ़ वाला, चंडीगढ़ और बाग वहाँ वाला बागवाहरा वाला चेतौरगढ़ वाला जी। पंडित जी हमें प्रसाद दिए जी, मोबाइल में देखे हैं आपका जी, धन्यवाद धन्यवाद। गाइस तो देखिए कितना इज्जत सम्मान मिलता है, पंडित जी के साथ बैठ कर हमने चाय पिया, बल्कि खुद पंडित जी हमें ऑफर दिए चाय का, और इतने सब भाई लोग मिले हमें और हमारा व्लॉग देखते हैं। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, इसी तरह से प्यार दीजिए।